अस्सलामुअलैकुम। 30x63 का हाउस प्लान है ये। इसमें दो बेडरूम है, दोनों के साथ अटैच बाथ है, टीवी लाउंज है, इसके साथ किचन है और ड्राइंग डाइनिंग है, स्टेयर हॉल है, कार पोर्च है और फ्रंट लॉन है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और इसी तरह के हाउस प्लान आप तक पहुँचते रहें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेन गेट आ जाएगा, यहाँ पे मेन गेट 10 फीट का लगेगा। ये इसके कॉलम है, गेट के 3 कॉलम, यहाँ पे छोटा 4 फीट का गेट लगेगा, यहाँ पे 10 फीट का ज़रब 7 फीट इसकी ऊंचाई होगी, 4 फीट ज़रब 7 फीट इसकी ऊंचाई होगी। ये कार पोर्च आ गया, कार पोर्च जो है 14 फीट ये इस तरफ है और 16 फीट ये इसकी लंबाई है। उसके बाद ये लॉन आ गया, चौदह फीट 6 इंच ये चौड़ाई है इसकी लॉन की और 16 फीट इसकी लंबाई है। इसके साथ ये वन स्टेप अप आ गया, ये मेन डोर आ गया 4 फीट का, ये स्टेयर हॉल है, 14 फीट ये इस तरफ है और 8 फीट ये इस तरफ है। यहाँ से स्टेयर्स अप हो रही हैं, यहाँ से ऐसे गुलाई में ऊपर चली जाएंगी। इसके नीचे जो है पाउडर रूम आ जाएगा, ये इसका डोर लग जाएगा और ये इसका वेंटिलेशन कार पोर्च की तरफ, ये 4 फीट इस तरफ होगा और 6 फीट ये इस तरफ लंबाई होगी इसकी। उसके बाद एक डोर आ जाएगा ड्राइंग का यहाँ पे और एक मेन डोर। ये ड्राइंग की जो चौड़ाई है 13 फीट 9 इंच और 12 फीट ये लंबाई है इसकी। ये इसकी विंडो है लॉन की तरफ ड्राइंग की, एक डोर इसका यहाँ पे लग जाएगा। ये डाइनिंग हो गया, डाइनिंग एरिया है ये 10 फीट इस तरफ है और ये 7 फीट इस तरफ है। यहाँ पे रास्ता रखा है किचन की तरफ कोई चीज़ देने के लिए, इधर डाइनिंग की तरफ ये वाला 2 फीट का। उसके बाद ये वेंटिलेशन के लिए ओपन जगह रखी है, यहाँ पे डाइनिंग की तरफ एक विंडो लग जाएगी और एक इस तरफ लग जाएगी टीवी लाउंज की तरफ। ये टीवी लाउंज है, ये 14 फीट इस तरफ है और 14 फीट ही ये लंबाई में है। ये सीटिंग एरिया है इसका शो करवाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे ये किचन आ जाएगा, ये किचन की स्लैब है, किचन की विंडो भी यहाँ पे लग जाएगी ओपन प्लेस की तरफ। ये किचन की जो स्लैब है इसकी चौड़ाई 2 फीट है, ऊपर नीचे इसके कैबिनेट आ जाएंगे। तो किचन 10 फीट चौड़ाई में है और 7 फीट ये इस तरफ लंबाई में है। उसके बाद ये बेड आ गया, बेड का डोर है, ये बेड 12 फीट इस तरफ है और 11 फीट ये लंबाई में है। इसके साथ अटैच बाथ है, इसका डोर आ गया, ये 7 फीट बाथ इस तरफ है और 5 फीट ये इस तरफ है। इसका वेंटिलेशन इधर ओपन प्लेस की तरफ आ जाएगा और इस बेड की विंडो भी इसी तरफ आ जाएगी। ये ओपन एरिया है, ये 9 फीट इस तरफ है और 5 फीट इस तरफ। उसके बाद ये दूसरा बेड आ गया, इसका डोर है, ये भी 14 फीट इस तरफ है और 13 फीट इस साइड को। इसके साथ ये ड्रेसिंग आ गई 4x5 की, ये 4 फुट यहाँ से यहाँ तक है और 5 फुट यहाँ से यहाँ तक है। इसका ये डोर आ गया बाथ का, ये 6 फीट इस तरफ है और 5 फीट ये इस तरफ। इसका वेंटिलेशन भी इस तरफ होगा ओपन प्लेस की तरफ और इस बेड की विंडो भी इसी तरफ आ जाएगी। तो ये था प्लान जिसमें ये बेडरूम था, इसके साथ ड्रेसिंग, फिर बाथ और ये दूसरा बेड था इसके साथ बाथ, तो पीछे ओपन प्लेस थी ये वेंटिलेशन के लिए। इन दोनों की विंडो लग जाएगी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए और दोनों बाथ की
वेंटिलेशन लग जाएंगे, रोशनदान इस तरफ लग जाएंगे। उसके बाद ये किचन था, किचन की जो विंडो है इस तरफ ओपन प्लेस बीच में छोड़ी गई है, ये इस तरफ है, इसकी विंडो इस तरफ लग जाएगी। उसके बाद एक डाइनिंग की तरफ एक विंडो लग जाएगी और एक टीवी लॉन्च की तरफ लग जाएगी। उसके बाद ये ड्राइंग एरिया था, ड्राइंग एरिया की विंडो जो है बाहर लॉन की तरफ लग जाएगी। उसके बाद ये एक जो स्टेयर हॉल है, इसके स्टेयर के नीचे एक बाथ आ जाएगा, तो इसका वेंटिलेशन इस तरफ कार पोर्च की तरफ लग जाएगा। तो ये मेन कार पोर्च था, इसमें दो गाड़ियां आराम से आ जा सकती हैं। और इस तरफ ये लॉन था 14 फुट 6 इंच बाय 16 फिट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।